कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के निर्देश पर कलेक्टर परिसर में 4 सार्वजनिक स्थलों पर आयुष काढ़ा पिलाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ कलेक्टर परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम पता नोट कर उनका थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि आयुष काढ़ा पीने से कोरोना वायरस के निजात के साथ ही लोगों का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर परिसर में 4 सार्वजनिक स्थानों पर आयुष काढ़ा पिलाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, सर कलेक्ट्रेट में कुछ व्यवस्थाएं की गई जिस कलेक्ट्रेट पर्सन में आने की? हाँ, कलेक्ट्रेट में पहले से हम लोग हेल्थ डेस्क बना रखा है, आप तो जानते हैं। हेल्थ डेस्क के अलावा हम लोग अभी ये काढ़ा आने वाले के काढ़ा पीने के लिए भी व्यवस्था कर रखा है। उसके अलावा जो टेम्परेचर चेक होगा, जो आने वाले का पल्स ऑक्सीमीटर मेजर भी करते हैं, और यहाँ आज से पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी चालू कर दिया है, जो आने वाले का जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलते रहेगा।